क्या आपके अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा काले हैं? क्या अंडरआर्म्स के कालेपन की वजह से आप अपनी कई पसंदीदा ड्रेस नहीं पहन पाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही असरदार और आसान सा घरेलू उपाय जो चुटकियों में दूर करेगा आपके अंडरआर्म्स का कालापन, ताकि आप भी बिना किसी झिझक के खुल के अपने हाथ उठाएं और अपने मन चाहे ड्रेस पहने। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे दिखाने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। चीनी आपके अंडरआर्म्स को नेचुरली तरीके से एक्सफोलिएट करता है, ये जमी हुई मैल और डेड स्किन सेल्स को दूर करता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैं मिलाऊंगी वो है दूध। तो ये मैंने कच्चा ठंडा दूध लिया है। देखिए, आप गर्म दूध मत लीजिएगा, नहीं तो ये चीनी जो है वो पिघल जाएगा, तो इसलिए मैंने ठंडा दूध लिया है। तो इसमें मैं एक चम्मच दूध डालूंगी। तो अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है आधे नींबू। तो मैं आधे नींबू का रस इसमें मिलाऊंगी। नींबू एक नेचुरल ब्लीच होने के कारण आपके अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अब इसमें जो फाइनल इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है जैतून का तेल। तो इसमें मैं एक चम्मच के आसपास जैतून का तेल मिलाऊंगी। तो ये आपका स्क्रब जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे कैसे लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने अंडरआर्म्स को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो दीजिए, उसके बाद उसे पोंछ दीजिए। उससे क्या होगा, जो अंडरआर्म्स की जो स्किन है वो, उसके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप ये वाला जो स्क्रब लीजिए और थोड़ा सा अपने अंडरआर्म्स के ऊपर ऐसे लगाइए। इस तरह से लगाने के बाद आप छोड़ दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। छोड़ने के बाद आप हल्के हाथों से इस तरह से स्क्रब कीजिए। देखिए, इसे आपको स्क्रब करना पड़ेगा 5 मिनट। तुरंत आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। एक तो ये आपके अंडरआर्म्स में जमी हुई जो गंदगी है, मैल है, उसको दूर करेगा और आपके अंडरआर्म्स को बेहद फेयर और स्मूथ बनाएगा। तो 5 मिनट तक रब करने के बाद आप अपने अंडरआर्म्स को अच्छे तरह से ठंडे पानी से धो दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसे लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर और स्मूथ लग रही है। अभी आपको क्या करना है, तो आप अपने अंडरआर्म्स को धोने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा नारियल का तेल लें, थोड़ा सा, और उसमें आप एक बूंद जो है टी ट्री ऑयल, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल ऑयल है। तो आप थोड़ा सा जो टी ट्री ऑयल एक बूंद के आसपास इसे लें और आप ऐसे अपने अंडरआर्म्स पे लगा लें। तो ये जो टी ट्री ऑयल कोकोनट ऑयल क्या करता है, ये आपके जो ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको दूर करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है और स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 3 दिनों तक लगा लें तो आप देखेंगे आपके जो अंडरआर्म्स हैं बहुत ज़्यादा फेयर, स्मूथ और खूबसूरत हो जाएंगे। तुरंत छुटकारा पाना है तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं और मेरे साथ आपका रिजल्ट शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।